अस्सलाम वालेकुम यूटी न्यूज के साथ मैं हूं हमजा जेब। सबसे पहले हेडलाइन, वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी का कहना है पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटेजिक इस्तेकाम की बुनियाद है, चौथा सनती इनकलाब दस्तक दे रहा है। बिजली के बहरान के हल के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इलेक्ट्रिक और सुई नौजवान के दरमियान तनाजा हल करने और लोड शेडिंग खत्म करने के लिए एक बार फिर वजीर आजम को खत लिख दिया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने MNA इफ्फत लियाकत और सुल्तान हैदर MPA से मुलाकात की, इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नया कानून लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली, अशिया खुर्दोनोश की पैकिंग के लिए अखबार और रद्दी का इस्तेमाल भी जुर्म होगा। महकमा मौसमियात ने बारिश और हैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UET News।